Hello dear learners, this is the video of rational number part 3. इसके पहले मैं दो rational number पर video बना चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो videos नहीं देखी है तो kindly go through that video. Okay? First वाली video में मैंने introduction दिया है और फिर मैंने second वाली video बनाई है. अब ये third video है rational number की. इस video में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो रैशनल नंबर का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है. ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं रैशनल नंबर की. ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज आपको मिलती रहे और मेरे इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए. ओके, क्लास अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. Equality of rational number. If P upon Q and M upon N are rational numbers, then P upon Q equal to M upon N. If M into N equal to M into Q, that's called cross product rule. What is this meaning? Means अगर आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, पहला है आपके पास p अपॉन q एंड सेकेंड आपके पास m अपॉन n है. ठीक है ना, अगर कोई भी आपके पास दो रैशनल नंबर हैं तो वो इक्वल होंगे. p अपॉन q और m अपॉन n इक्वल होंगे. इफ कब इक्वल होंगे, जब हम p इंटू n यानी क्रॉस प्रोडक्ट रूल अगर हम लोग लगाएं, यानी p इंटू n और m इंटू क्यू अगर हम लोग करते हैं. ठीक है, यानी कि इसको इससे और q को m से अगर हम मल्टीप्लाई करें और वो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे दोनों रैशनल नंबर क्या हैं, इक्वल हैं. क्योंकि हम इसमें क्रॉस का यूज करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट करते हैं, p को n से मल्टीप्लाई करते हैं और q को m से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रॉस प्रोडक्ट रूल. ठीक है, अगर p इंटू n करने पर q इंटू m के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि हमारे रैशनल नंबर इक्वल हैं. ठीक है ना, बहुत ही आसान है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इस पर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर इक्वल. आपको बताने हैं कि यहाँ पे दो रैशनल नंबर के पेयर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर रैशनल नंबर इक्वल है, कौन सा पेयर इक्वल है. ठीक है ना, पहला आपको दिया है माइनस 7 अपॉन 8 एंड 17 अपॉन माइनस 18. तो चेक करने के लिए अभी मैंने आपको बताया दो रैशनल नंबर इक्वल हैं कि नहीं है, हम कैसे चेक करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से. और क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में. ठीक है ना, और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेकेंड वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए यहाँ भी वही करेंगे, पहले क्या लगा लेंगे, क्रॉस लगा लेंगे, फिर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 18, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 18 इक्वल टू 8 इंटू 17, 8 मल्टीप्लाइड बाय 17. दोनों फिर हम लोग करके देखेंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, ये 7 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126. माइनस एंड माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी प्लस बन जाते हैं, प्लस का साइन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन हो गया, प्लस का साइन हो गया. 8 इंटू 17 या फिर 17 एट्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 136 आता है ना. तो इसलिए आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है ना, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया. 126 इज नॉट इक्वल टू 136, हेंस दे आर नॉट इक्वल. अंडरस्टैंड, यानी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फिर हम देखेंगे कि क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं. अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यानी ये और ये जो हमारा रैशनल नंबर है वो इक्वल नहीं होगा. ओके, अब यहां पर देखते हैं ये नेक्स्ट बी 0/2 एंड 0/-2. इसमें आपको चेक करना है कि बताइए ये रैशनल नंबर जो है वो इक्वल है कि नहीं है. ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, एंड फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 0, 2 इंटू 0. सो
जीरो को जब भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा जीरो आता है। तो जीरो को -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, जीरो। और 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, इक्वल आ गए। इसलिए जो हमें ये फ्रैक्शन दिया, ये जो हमें रैशनल नंबर दिया हुआ था, ये भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी 0/2 एंड 0/-2 बोथ आर इक्वल, ओके, हेंस दे आर इक्वल। आपको समझ में आया ना, यानी कि जब भी दो रैशनल नंबर दिए हों तो उन्हें हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से चेक कर सकते हैं उनकी इक्वालिटी को, ठीक है ना। तो ये हो गया, अभी आपको ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, चेक वेदर -3/5 एंड 12/-20 आर इक्वल और नॉट। आपको ये मुझे करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। आप कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा के मुझे आंसर निकाल के आप बताएंगे कि ये जो दो रैशनल नंबर हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू।